हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 19 का फर्स्ट में देखिए दिया हुआ है कि यदि x इक्वल टू में है 9 प्लस का 4√5 तो रूट एक्स माइनस 1/√x एंड रूट एक्स प्लस 1/√x का मान निकाले। तो पहले तो हमें रूट एक्स का मान पहले पता करना होगा, यानी रूट अंडर 9 प्लस का 4√5 का मान क्या होगा। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, इस 4 को ना आप लिख दीजिए 2 इंटू में रूट 5। 4√5 कैसे लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, और यहाँ पे आप इस 9 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ से देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी रूट अंडर हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2 प्लस का रूट 5। तो 1/√x का वैल्यू देख लेते हैं, 1/2 प्लस का रूट 5 है ना, आंसर हर में मल्टीप्लाई कर देगा 2 - √5 से अंश में भी और हर में भी। ऊपर 2 - √5 और नीचे प्लस माइनस में आते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 - √5 और नीचे आपका जो है आपका हो जाएगा 4 - 5, नीचे माइनस बनेगा तो माइनस ऊपर लगा देते हैं, नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी हो जाएगा यह हो जाएगा प्लस का रूट 5 और माइनस का 2। ठीक है, तो प्लस का रूट 5 और माइनस का 2। अब इसके बाद दोनों का वैल्यू आ गया, हमें ए में क्या कह रहा है, रूट एक्स माइनस 1/√x का वैल्यू। तो रूट एक्स यानी कि 2 + √5 और माइनस 1/√x यानी कि रूट 5 माइनस का 2। चलिए अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 + √5 माइनस का रूट 5 और प्लस का 2, यहाँ से कैंसिल 4 आ जाएगा। फिर इसके बी नंबर में कह रहा है कि रूट एक्स प्लस का 1/√x का वैल्यू, यानी 2 + √5 और प्लस में रूट 5 माइनस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे 2√5। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सेम